तो मारा सहयोगी अदिति ने यश तो जोड़ाई गया है, पण आज दिल्ली थी हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय पण जोड़ाई गया है। लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे करेंगे। तमे जो खास खबर चाहिए तमने पहला जणावी दऊं, तमे जो आईडीबीआई बैंक में सरकार ने एलआईसी की भागीदारी वेचवाना प्रस्ताव ने कैबिनेट की मंजूरी मिली गई है और आ खबर तमने सौथी पहला लक्ष्मण रॉय ज आपी थी। लक्ष्मण जी पूरी डिटेल क्या है? वाकई जैसा कि सबसे पहले हमने आपको बताया था, कैबिनेट की बैठक में आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और इस प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है उसमें तीन बातें काफी खास है ध्यान देने वाली। पहली बात तो ये स्ट्रेटजिक सेल होगा, सरकार का मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी। फिलहाल सरकार की हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक में करीब 45% है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ सरकार की हिस्सेदारी नहीं बेची जाएगी बल्कि आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की जो हिस्सेदारी है करीब 49% उसे भी बेचना जाएगा। उस पर भी प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। लेकिन एलआईसी और सरकार की हिस्सेदारी कब कब बेची जाएगी, उसकी समय सीमा क्या होगी, किन शर्तों के साथ बेची जाएगी, वो बाद में तय किया जाएगा। लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि चालू कारोबारी साल में सरकार आईडीबीआई बैंक में स्ट्रेटजिक सेल की प्रक्रिया को पूरी कर ले। एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर कैबिनेट की बैठक से निकलकर आ रही है, हालांकि सरकार ने इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों से मुझे पता चला है कि कैबिनेट की बैठक में बीएचईएल की जो सब्सिडियरी है ईएमएल, उसमें हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और काफी हद तक इस पर सहमति बन गई। बता दूं कि ईएमएल एक सब्सिडियरी है जो केरला सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर के साथ बीएचईएल चलाती है। उसमें बीएचईएल की हिस्सेदारी 51% है, केरला सरकार की हिस्सेदारी 49% है। अब प्रस्ताव यह था कि बीएचईएल की 51% हिस्सेदारी केरल सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाए, इस प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई है और माना जा रहा है कि बीएचईएल के विनिवेश की तरफ एक कदम सरकार आगे बढ़ रही है इस फैसले के साथ।